friends, thank you again for connecting with me. And thank you so much for all your love, which really motivates me to bring a lot of videos for you and very frequently. So, aaj ka bahut hi requested video hai, that is hair care for monsoon. मॉनसून में हमारे बाल बहुत फ्रिजाइल हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. रीजन बीइंग हमारी स्कैल्प में जो रेजिड्यू है वो रह जाता है, जो हमारा ऑयल है, ऑयल कंटेंट है, वो रह जाता है. हमारी स्कैल्प अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है. सो उसका रीजन है कि हमारी डैंड्रफ हो जाता है, इची स्कैल्प हो जाती है एंड उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है. So, बाल खोना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, राइट? सो गाइज, आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि इस टाइम पे प्लीज अपने हेयर डिसिप्लिन में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आपको लाना पड़ेगा, राइट? सो ये जो दो महीने है मॉनसून के, ये थोड़ा सा यू रियली हैव टू बी स्ट्रिक्ट. सो मैं आपके पास लेके आई हूँ 5 बहुत ही इजी टिप्स, प्लीज इसको फॉलो करिए. सो क्विकली स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टिप, डीटैंगल करिए अपने बालों को विद व्हाइट टूथपिक. बारीक कंघा मत यूज करिए, इधर यूज व्हाइट टूथ. एंड इसके साथ आपके पास ऑप्शन है वुडन कोम भी यूज कर सकते हैं, बट वो भी व्हाइट टूथ ही, बिकॉज इसमें आपके बाल कम अड़ेंगे एंड कम टूटेंगे. सेकेंडली, आप हमेशा नीचे से डीटैंगल करना शुरू करिए, ना कि ऊपर से. स्कैल्प से नहीं करना है, रूट से नहीं करना है, बिकॉज रूट्स ऑलरेडी वीक होते हैं. सो आप हमेशा नीचे पार्ट्स में इसको डिटैनिंग करिए. आई एम टेलिंग यू, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस. सेकेंडली, यूज क्लैरिफाइंग शैम्पू. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड इट और नॉट, आई एम अ लॉरियल सर्टिफाइड हेयर ड्रेसर. सो मैं यूज करती हूँ प्योर रिसोर्स. इट्स अ क्लियर शैम्पू, ठीक है? एंड ये आपकी स्कैल्प को बहुत क्लीन कर देता है. बट इसके साथ कुछ चीजें हैं जो यू रियली हैव टू टेक केयर. सबसे पहली चीज, यूज वंस इन द मंथ. व्हाई वंस इन अ मंथ? बिकॉज इट इज वेरी ड्राइंग इन नेचर, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ड्राइंग इन नेचर है. ये सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है बिकॉज ये स्कैल्प क्लियर करता है. सो बेसिकली 3-4 ड्रॉप्स एंड यू आर डन. That's it. उसके बाद, because as I said that this is quite dry, तो इसके बाद आप normal अपना regular shampoo जरूर करेंगे. So ये shampoo आप अकेले नहीं use करेंगे. So the routine is clarifying shampoo, then your normal regular shampoo, and then your conditioner, and then coming to the next step, which is using anti-frizz serum. So I'm using this list. I've been using this since many years and I really love this product. I'm not here facilitating or promoting any brand, but मुझे ये suit करता है. So आपको जो भी suit करता है, market में जाइए, बहुत से brands हैं, अपनी pocket के accordingly, अपने texture के accordingly, आपको जो भी पसंद आए आप please वो लगाइए. But anti-frizz serum जरूर लगाइए, because ये दो महीने वो आपके बालों को डिटैंगल करने में बहुत यू नो लाइक इट इज रियली वेरी इफेक्टिव. सो यूज इट, बिकॉज उससे आपके बाल बहुत कम टूटेंगे. सो ये सारे टिप्स बहुत ही क्विक क्विक टिप्स हैं, प्लीज इसको यूज करिए. इसके साथ एक और चीज, अपने बालों को ब्रश जरूर करिए. आई नो ये बहुत ही बेसिक है, आप करते ही होंगे, बट सीधा तो सारे ही करते हैं, राइट? दिन में 2 मिनट निकालिए अपने लिए, अपने बालों को अपसाइड डाउन करिए एंड 2 मिनट उसे पूरा ब्रश करिए अच्छे से. आई एम टेलिंग यू, इट विल गिव सच अ गुड सर्कुलेशन टू योर स्कैल्प. एंड आपका जो जब ब्लड फ्लो शुरू होता है, सो वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा होगी, राइट? सो इसको करने की कोशिश करें. वैसे बहुत आसान सी टिप है, बट प्लीज करिए, बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव है. बट इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरा हेयर योगा वीडियो देखिए एंड
वो योगा थोड़ा सा वैसे करने की कोशिश करें बिकॉज दैट विल प्रमोट गुड हेयर ग्रोथ. सो ठीक है, हमने ये टिप्स जरूर कर रहे हैं बट हमें हेयर हेल्थ भी चाहिए. यू नो योर हेयर शुड बी शाइनी. इट्स जस्ट नॉट कि हेयर है राइट, इट इज सपोज टू बी वेरी ब्यूटिफुल. एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल क्या चेंज आप कर सकते हैं, इंटरनल एफर्ट्स आपके क्या है. सो दैट इज द एक्सरसाइज रिजीम दैट यू नीड टू डू. सो वो बहुत ही, प्लीज लुक आउट दैट वीडियो, बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही सिंपल है. प्लीज ट्राई आउट करिए, आई एम श्योर आपको ये चीजें बहुत बेनिफिट करेंगी. एंड इसके अलावा आपके पास और भी अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन प्लीज मैसेज मी, आई एम ऑलवेज देयर. आई विल सून कम अगेन टू शेयर मोर ऑन हेयर केयर. प्लीज अपने बालों को शाइनी रखिए, हेल्दी रखिए, सेफ रहिए. एंड डू शेयर योर फीडबैक, योर फीडबैक रियली मैटर्स टू मी. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड. थैंक्स.